गुड मॉर्निंग सबको, वेलकम टू द चैनल कोडेड ब्लॉग्स। सर अभी सुबह के 1:30 बज रहे हैं और मतलब हम फ्रेश व्रेश हो गए हैं, बाकी अभी नाश्ते का वेट कर रहे हैं। शायद 2:30 बजे होता है, 3 बजे वो ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। बाकी नींद नींद यार यहाँ आई गई थी, ठंडा मुझे तो लग रहा था थोड़ा बहुत, बट उतना है नहीं ठंडा। और जैसे अभी बाहर जा रहे थे ना हम, तो हमें लगा टॉर्च वॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, बट मतलब मून लाइट ही काफ़ी है तो साफ़ दिख रहा है बाहर, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बाकी अब वेट ही कर रहे हैं यार, क्या मतलब जल्दी उठ गया हमने कहा, वरना इशू होता है ना, भीड़ है यहाँ काफ़ी लोग हैं इसलिए। अब जब नाश्ता आता है तो फिर मिलता हूँ आपसे। बाकी देखो हमें भी उठ रखा है, लाइट मार रखी है उसने, और संचिता भी जा रखा है वॉशरूम। चलो मिलते हैं, अभी भी ठंडा ही हो रहा है, इसी में बैठ रखा है मैं स्लीपिंग बैग में। बढ़िया कर रहा है बस, ये देखो ये उसका टेंट का एंट्रेंस। बाकी चलो मिलते हैं आपको आगे। नाश्ता आ गया यार, नाश्ता करते हैं और चलते हैं फटाफट, चाय और ब्रेड, और वो कटोरी में बटर रखा हुआ है। ये इस टेंट में रुके थे यार हम, अब मतलब बैग वैग टांग रहे निकलते मतलब ना, और ये जो यहाँ आग लग रखी ना इनके साथ जाएंगे हम, क्योंकि हमें भी रास्ता पता नहीं ना उतना। मूनलाइट देखो यार, सो अब स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। 4 बजने वाले, 3:30 हो रहे हैं वैसे अभी, बट हाँ हो ही जाएगा, हम निकलते निकलते ना। बिना उसके भी दिख रहा है यार मून लाइट में ना सब। अभी वो ला रखे थे डीजल की बोतल, बोल रहे हैं ऊपर कुछ बनाएंगे, तो देखते हैं चाय बनाएंगे या ज्यादा क्या बनाएंगे। चलो मिलते हैं रास्ते। ये देखो ये गेट है फॉरेस्ट के, मैंने यहाँ फतेह हासिल कर ली है। अब से ये अमित सिंह का एरिया है सर, हम उजाले में चल रहे हैं शाम के उजाले में। लाइट मार रहा हूँ, ये देखो इनके साथ आ रहे हैं हम, मुझे टॉर्च जलती हुई दिख रही। ये देखो यार कितना आसमान कितना मस्त लग रहा है, अभी तक उजाला नहीं हुआ यार। 3:30 हमने शुरू कर दिया था चलना, और जिनके साथ हम आ रहे हैं वो भी देखो आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा एज रहना तो उनको टाइम लग रहा है। बाकी यहाँ अंधेरा देखो ना, बैंक खत्म ही नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 7 बज गया यार, अब हुआ है पूरा उजाला, मतलब अभी भी चांद है। कहाँ पर है पूरा देखो, ये रहा मेरे पीछे ये। बाकी जो हमारे साथ थे ना वो अब ऊपर आ नहीं रहे क्योंकि वो थक गए वहीं पर। हम सोच रहे हैं कि पूरा जाते हैं ऊपर तक। बाकी देखो अमित संजय सिटिंग अरेंजमेंट दिखा हुआ, देख क्या बना रखा है हमारे। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, इसके ऊपर कुछ बनेगा। हाँ ठंड हो रही है, क्या पैक हो रखा हूँ भाई मैं, जब बनने में कितना टाइम लग जाएगा। प्लेटफॉर्म बनाएंगे, चलो 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 बनाएंगे, चलो मिलते हैं आपको। गाइज अभी हम आ चुके हैं कैंटीन से थोड़ा सा ऊपर, अभी यहाँ से 200-300 मीटर आगे निकले हैं, और अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी
पहाड़ दिखाई दे रही है, जिसको भी चढ़ने में लगभग 40 मिनट से एक घंटा के करीब तो लगेगा ही। देखिए आप यहाँ कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं, ये सब सूख चुके हैं। ये हमारा संचित और ये अभी अभी हम यहाँ से आए हैं। सनराइज़ तो अभी तक हुआ नहीं, टाइम हो चुका है सुबह के 7:30 लगभग। तो चलो अभी आपसे आगे मिलते हैं। ये देखिए इतना शानदार पेड़ पूरा खोखला, अब ये दीमकों ने किया है या किस वजह से हुआ है ये तो अभी हमें पता नहीं है, पर आप देखिए ज़रा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो अभी पास लेके चलता हूँ। ये देखिए एक बार आप भी आप जरूर आई हाँ। तो गाइस चलिए आपको अब इस पेड़ के अंदर की शेयर कराते हैं। अरे अरे नीचे उतर, मैं यहाँ जा रहा क्योंकि कैमरा बाहर निकालू। ये अगर आपके पास अगर यहाँ कुछ कमरा वमरा नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं। सारे सेल्फी में करना था ना नाइट स्टे। देखिए दोस्तों हमने ढूंढा है ये पेड़ के अंदर शेल्टर, इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। देखिए पेड़ नज़ारे देखिए, क्या बढ़िया पेड़ है। स्टीव देखो कितने भाई हालत खराब हो रही चढ़ने में। सनराइज होने आ रहा है, चलो जल्दी। ये देखो अगर हम वहाँ पे रुकते नहीं ऐसे चढ़ना पड़ रहा है। अभी तो वहाँ पीछे जाना यार, एक पहाड़ पे बहुत ऊपर यार अभी तो। अभी भी पहुंचे नहीं यार, देखो कितना स्टीफ है। बाकी यहाँ हमें लोमड़ी भी दिखी यार अभी, और संभल के आना यार, अगर हो सके तो गाइड ही लो। हम आधा ना गाइड के रास्ते ही आए क्योंकि उसी को पता था। मैं आपको स्टोरीज बताऊंगा यहाँ की कुछ कि कैसे वो हुआ, मतलब बहुत लोग फंस जाते पता जंगल में। और अभी हमें वो लोमड़ी भी दिखी और रास्ता ऐसा सच हमें पता नहीं है, हम खाली ऐसे देख के जा रहे हैं कि हाँ यहाँ सनलाइट है। देखो ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ सनलाइट पड़ रही है तो वहीं जा रहे हैं बस। बंद करने दे, ताली दिखा दियो क्या। और ये पाला भी पड़ रखा है थोड़ा थोड़ा बहुत, मेरा पाला बड़ी मुश्किल से ऊपर और होगा ना शायद, धूप है यार ऊपर, देखते हैं फिर थोड़ा बहुत तो हो गई। चलो आगे मिलते हैं। ये पाला तुमने किसी को मारा ना, बिल्कुल पत्थर की तरह लगता है। सूर्य देवाय नमः। तो दोस्तों टाइम तो हो चुका है 7:30 पीक के नाम पे, तीन चार पीके पार कर ली पर नाक टिब्बा पीक नहीं मिली अभी भी। और ये हमारा हिमांशु, स्ट्रगल कितना स्ट्रगल है क्या होता है, खत्म ही नहीं हो रही है चढ़ाई। ओहो 8 यहीं बज गए, 8 होप 9 बजे तक पहुंच जाऊं ऊपर कम से कम। 12 बजे तक नीचे बाइक में पहुंच गए तो पहुंचने वाले ऊपर 5 मिनट होगा, देखते हैं यार पहुंच गए तो ठीक है और अच्छा है। बोलो था मैंने एक दिन। और हिमांशु क्या कहना चाहेंगे आप इस चढ़ाई के बारे में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ओके गाइस, दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे साथ, हम तीन लौंडे उत्तराखंड के आए हैं घूमने। तो दोस्तों देखिए पीछे हिमालयन रेंज दिखने लग गई है। सो फाइनली पहुंच गया, यही है इसका टॉप। दोस्तों हम तो आए थे यहाँ पाला देखने,
जिन सर का ये यूट्यूब चैनल है वो सर हमारा ऊपर वेट करते हुए, सर नीचे आने का कष्ट नहीं करना चाह रहे पता नहीं क्यों, इसलिए आज आपका आज सर का यूट्यूब चैनल होस्ट मैं कर रहा हूँ, थारा भाई जोगिंदर। नजारे देखो यार, नीचे उतरते यार, नीचे उतरने का शायद ही शूट करूं। हो गया रुक जा। नीचे उतरने के लिए सबसे बढ़िया चीज होनी चाहिए जूते, अगर सही है तो जल्दी जल्दी उतर जाओगे, तो अच्छे से मतलब ग्रिप वाले जूते लेके आना तभी सही है। बाकी अब उतर रहे हैं यार, पता नहीं कितना टाइम लगता है, बट चलो नीचे थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। ये मिल गया हमें फिर से पोपला पेड़, पोपला की खोखला, खोखला एम्प्टी, पोपला भी हो सकता है, खोखला पेड़ है, ज़्यादा सही जा रहे हैं। चलो सब कुछ नीचे उतरते हैं। सुबह यहीं पर वाग वाग में बैठे थे हम, और मतलब यहीं से शुरू किया था हमने, ये बेस मान लो इसको, तो सुबह मतलब एकदम सुबह नहीं, ये सेकंड वो है स्टॉप था हमारा जहाँ पर हम सब लोग रुके थे, चाय पी थी एक बार हमने, फिर यहाँ से गए थे ऊपर। चलो पहुँच ही गए नीचे जल्दी। तो गाइस ये रहा नाग टिब्बा मंदिर, अभी हम नाग टिब्बा समिट से ऊपर पीक से अभी अभी नीचे आए हैं, वो यहाँ से एक लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बंदरों में हलचल मच गई है, या तो हमारा खौफ है या तो हमको या हमें इनसे खौफ है, तो पता नहीं है, बंदर इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। ये रहा आपका मेन नाग टिब्बा मंदिर, जिसकी वजह से यहाँ का नाम नाग टिब्बा पड़ा है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे बंदर ही देखिए, कितने सारे बंदर घूम रहे हैं इधर। ये जहाँ हमने कैंपिंग की थी ना, ये लाल सा दिख रहा होगा यहीं पर, और यहीं से फिर ट्रैक शुरू होता है ऊपर के लिए, जो रात रात में किया था हमने पूरा, मतलब अंधेरे पहुँच गया यार फाइनली, जैसे तैसे बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। और ये वो फॉरेस्ट का गेट है पीछे ना, जो मैंने दिखाया था आपको हरा कलर का बोर्ड, रोक उनको, हाँ पानी दे दे यार, बस थकान हो रही। कैंपिंग की सारी डिटेल्स मैं आपको उसमें दे दूंगा। सो पहुंच गया यार फाइनली, पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट चलो हो गया ख़त्म ट्रैक हमारा। बाकी होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी ऐसी वीडियोस में बनाता रहूँगा, और आपको मिलते हैं नई न्यू वीडियो में। सो बाय, पीस आउट।